एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं आपकी फ्रेंड ईशा। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी और लाइट क्रिस्पी सा नाश्ता लेके आई हूं, जो बच्चे बड़े बड़े चाव से खाएंगे। और इसे आज मैं बनाऊंगी कच्चे आलू और सूजी से, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी भी है। इसे आप कोई भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, तो हमारे वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो आलू ले लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं, जिसका छिलका हमने हटा लिया है। और एक कप सूजी लेंगे हम। तो यहाँ हमने एक मिक्सी का पॉट ले लिया है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, जिसके हमने पीस कर लिए हैं। एक कप सूजी ऐड करेंगे, हाफ कप दही ऐड करेंगे, हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें दो ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसके हमने चार पीस कर लिए हैं। और पांच से लहसुन की कलियां लेंगे। तो इन सभी को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये सूजी को पीस के इसका हमने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का हमको पेस्ट चाहिए नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इससे हमारी जो सूजी वो अच्छी फूल जाएगी और सेट हो जाएगी। जब तक हमारी सूजी फूल रही है, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ले लिया है और ऑयल को भी गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। 1/2 टीस्पून सरसों ऐड करेंगे, वैसे भी हम क्रैकल कर लेंगे। करी पत्ता ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है। और 10 मिनट बाद हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो इस तड़के को अब हम सूजी में ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो सूजी भी हमारी यहाँ पे अच्छे से फूल चुकी है। और तड़के से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे नाश्ते में। 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे नाश्ते के लिए बैटर अब रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। नाश्ते को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। और इसमें एक स्टैंड रख लिया है और 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। तो इस पानी को अब हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक टिन ले लिया है नाश्ते के लिए। तो इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि जो हमारा नाश्ता है इसमें चिपके नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने नाश्ता बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम इस बैटर में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, इससे जो हमारा नाश्ता अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। इससे अच्छा सॉफ्ट और जालीदार हमारा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो अब ये हमारा नाश्ता अच्छा डबल हो चुका है और अच्छा फूल चुका है। तो अब हम इसे मोल्ड में ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसे टैप कर लेते हैं, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। और थोड़ी सी इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इससे हमारा नाश्ता दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। ये पानी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें अपने मोल्ड को रख लेते हैं और इसे कवर कर देते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को पकते हुए। अब हम कवर हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता अच्छा फूल चुका है। तो टूथपिक डाल के हम इसे देख लेते हैं। तो ये अच्छे से पक भी चुका है और फुली स्टीम हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकालेंगे ठंडा होने के लिए। ये नाश्ते को हमने बाहर निकाल लिया और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं साइड भी इसने छोड़ दिए हैं। तो चाकू से हम इसके साइड्स को अलग कर लेंगे, ताकि ये आसानी से डीमोल्ड हो जाए। अब हम इसे पलट लेते हैं और इसे टैप कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारा नाश्ता निकल चुका है और कितना
सॉफ्ट बना है और कितना फुला फुला बना है। और जाली तो इसमें बहुत ही बढ़िया आई है, तो मैं आपको इस दिखाती हूँ कितनी बढ़िया इसमें जाली आ चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारे नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं कोई भी चटनी के साथ। अगर आप इसे क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो हम इसमें अब तड़का लगा लेते हैं, तो इससे टेस्ट और भी ज़्यादा इसका दुगना हो जाएगा। तड़के के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। पैन में हम 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसे पिघाल देंगे हम। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी भी हमारे यहाँ गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाएगा हमारे नाश्ते का। थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें नाश्ते को ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और लो टू मीडियम करके इसे हमें 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। इससे जो हमारा नाश्ता है वो अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। 2 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को सेकते हुए, तो अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया क्रिस्पी सा हमारा ये नाश्ता बन गया है और दिखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग और यमी लग रहा है। खाने में तो ये टेस्टी है ही है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेक लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो लग रहा है ना फ्रेंड्स कितना बढ़िया, ऐसा लग रहा है देखते ही इसे खा जाऊं, इतना टेस्टी और बढ़िया है हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। जब भी कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या कुछ चटपटा सा टेस्टी सा हेल्दी सा खाना का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं और सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो ये नाश्ता हमारा दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। तो नाश्ते को हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, तो अब हम इसके पीस कर लेते हैं। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसके पीस कर लेती हूँ। इसे आप कोई भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और तड़के से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप भी इसे बनाएं खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।